नूह मेवात में लंबे वक्त से गोकशी और गोहत्या पर छिड़ा बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज नूह के संगेल में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के अलावा हरियाणा के विभिन्न जिलों से गोरक्षकों ने भाग लिया और एक सुर में गोकशी के खिलाफ आवाज उठाई। महापंचायत की सबसे अहम बात ये रही कि सर्वसम्मति से गोरक्षकों ने सरकार को एक महीने में जिले से गौतस्करी को बंद करने का अल्टीमेटम दिया। पंचायत में फैसला लिया गया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो खुद गौतस्करी को बंद करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। पंचायत में हमने 7 मुख्य मांगे रखी है, जो गोहत्या का एक महीने का अल्टीमेटम दिया है। एक महीने के अंदर मेवात में गोहत्या बंद होनी चाहिए और जितने भी गो तस्करों पर मुकदमे हो खारिज होने चाहिए और गो रक्षकों के लाइसेंस बनने चाहिए और गो रक्षा के लिए जो जाते हैं इस तरह रख दी है सरकार के सामने। और एक प्रतिनिधि मंडल बनाया है, वो प्रतिनिधि मंडल कल जा करके DC और SP को ये मांगे हम सौंपेंगे। देखिए, मेवात में जो पिछले 75 वर्ष से कहूँगा मैं, जो गो हत्या का एक कलंक लगा है, गो हत्या तो हो ही रही है, साथ में मेवात में आए दिन चोरी की बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ गई है। क्या करते हैं यहाँ गाड़ियों की तस्करी करके, ATM की करके और फिरौती ले करके जो अपराधी हैं वो गाड़ियों को छोड़ रहे हैं। तो हम खट्टर साहब से ये कहना चाहते हैं कि वे आप गो हत्या को बंद करें। जैसे योगी जी ने गो हत्यारों के या जो अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाए हैं, आप मेवात में भी UP की तरज पर वही कार्य करें, तभी अपराध पे लगाम लगाई जाएगी। ये पंचायत सभी जो हिंदू संगठन है, RSS है, बजरंग दल है और आर्य समाज के लोग हैं, गोरक्षा दल हमारा है, सभी जो है संगठन और भी अनेक सारे संगठन और विशेष करके जो जीणा संगेल जाजू का गांव है, क्योंकि ये लोग बड़े शुरू से ही भी रहे हैं और गो माता के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। शक्ति प्रदर्शन था और उनको चेताने का भी काम था, भाई अब आ गए हैं, जो उन्होंने धमकी दी थी गोरक्षकों को, आप मेवात में घुस के दिखाइए। पंचायत में फैसला किया गया कि मेवात जिले के 3 विधायकों पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। गोवंश की सुरक्षा के लिए गो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं, जहां पर तुरंत गो तस्करी के मामलों की सुनवाई हो। इतना ही नहीं, बैठक में गोरक्षकों के आर्म्स लाइसेंस भी बनाए जाने की मांग उठाई। आज की जो महापंचायत बड़ी शांति के साथ और जो गोहत्या जो मेवात में होती है वो गोहत्या ना हो, और गोहत्या ना हो इसके लिए हरियाणा के जो हमारे जो यहाँ मेवात के 3 विधायक हैं उन्होंने भी समर्थन किया है कि हम भी गोहत्या का विरोध करते हैं, तो वो भी इस गोहत्या के खिलाफ हैं। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ गोहत्या मेवात बंद कर दी जाएगी और इसमें मेवात के बहुत से साथियों का समर्थन है। महापंचायत के दौरान वक्ताओं ने जिले के विधायकों से गोतस्करों के पक्ष में एकत्रित होने पर कड़ा विरोध जताया। बता दें कि महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन बीते कई दिनों से खुफिया एजेंसियों के साथ सतर्कता के साथ कार्य कर रहा था। वहीं पंचायत से पूर्व जिले में पुलिस बल की 3 कंपनियां तैनात की गई थी। नूह मेवात से AK बघेल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।